ये व्हाइट कलर की है, दिख रहा है क्या बना है, आप लोग अच्छे होंगे। तो हम काफी टाइम बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं, बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था तो बहुत टाइम बाद हम लोग शूट कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। अभी हमारा छोटा था, हमें एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा यहाँ आपके और मिल के साथ में अच्छे से केयर कर रहे हैं उसकी। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब स्टार्ट करना चाहिए, बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए। और उसका रूटीन इतना उल्टा है, दिन भर सोती रात में जगती है तो बहुत परेशान हो जा रहा है क्योंकि मुझे और सुहाना को ही संभालना होता है तो हम लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब हमें नींद आती तो उठ के खेलने लगती है, फिर उसको कोई खिलाने वाला नहीं मिलता तो चिल्लाने लगती, रोने लगती है। और आजकल मेरा काम स्टार्ट हुआ है तो सुबह इनको जाना होता है, उसके बाद दोपहर तक ये जगती है, 12-12 बजे तक जगती है, तो 12 बजे तक मुझे बहुत ज्यादा देख रेख करनी पड़ती है इसकी और शेड्यूल बिल्कुल खराब हो चुका है, ऊपर नीचे हो गए। तो फिर हमारे बेबी जो है, हमने उसका नाम भी सोच लिया है एंड हमें उसका फेस भी रिवील करना है, तो हम लोग अभी सिर्फ उसको बेबी कह रहे हैं क्योंकि हम आपको स्पेशली वो वीडियो बना के दिखाएंगे जिसमें हम इसका नाम बताएंगे और इनका फेस रिवील भी करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और हम लोग के पास, इनके पास अभी टाइम था तो हम लोग ने प्लान किया कि चलते हैं बाहर जाके बेबी के लिए कुछ शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि विंटर्स आ गए हैं और दिसंबर चल रहा है, ठंड स्टार्ट हो गई है यहाँ पे काफ़ी। और बेबी के सारे जो कपड़े थे वो मतलब नॉर्मल थे, विंटर वाले नहीं थे, तो हम लोग सोचा विंटर वाले इसके कुछ कपड़ों की शॉपिंग कर लेते हैं और देखेंगे तो एक आध मैं भी ले लूँगी। तो फिर चलिए जाते हैं, हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम लोग पहुँचेंगे फिर आपको डिसाइड कर चुके हैं। शॉप पे जाएंगे जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े मिलते हैं। डिसाइड क्या नहीं किया मैंने, गूगल पे सर्च किया 3-4 शॉप। इन्होंने गूगल पे सर्च किया 3-4 शॉप्स, वहाँ से हम लोग बेबी के लिए लेंगे। और आज मैंने वेयर किया ये अबाया, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब नहीं, मतलब जुकाम और हो गया था बहुत ज़्यादा मुझे। और फिर अब मैं जा रही हूँ बेबी को अपने रेडी करने, मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये रेडी हो चुके हैं, उसको फटाफट मैं रेडी करके फिर हम लोग निकलते हैं और मिलते हैं आपसे। मैं रेडी नहीं हुआ, मैं साइड से आगे ऐसे ही, मैंने कुछ अभी फेस वॉश भी नहीं किया है और कोई रेडी, क्योंकि लेट हो रहा है तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं क्योंकि जल्दी घर भी आना है। तो अब बेबी परेशान हो रही, लेटी हुई है कभी से, कब उठाएं कब ले जाएंगे, तो बस हम लोग निकल रहे हैं और हम जल्दी इसका फेस रिवील करेंगे और आगे से फिर हम डेली ब्लॉग अपडेट करते रहेंगे और डेली वीडियोस हम बनाएंगे। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं, क्या ये, इसमें अपने बेबी को पैक करके लेके जाएंगे, इसको कुछ तो बोलता है ना, मेरे को ना। हेलो, इसमें हम अपनी बेबी को अंदर ये कवर्ड रहता है, काफी अच्छा होता है। अगर अगर जिसके भी न्यू बॉर्न बेबी है तो हम सजेस्ट करेंगे ये जरूर ले, कि बहुत कंफर्टेबल होता है कैरी करना इसमें बच्चे को, ये बिल्कुल भी हमारे बेबी को उठा नहीं पाते, आदत नहीं है ना उसमें उसकी रहने की। आ गए शोर है, चलो चलिए। अब हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बाहर, गाड़ी इधर कहीं आगे खड़ी हुई है। तो हम लोग शॉप पे आए हैं यहाँ पे और देख रहे हैं बेबी की ड्रेसेस पसंद कर रहे हैं, अभी तो एक ही दो समझ में आया है, देखते हैं। तो हम लोग ने बेबी की शॉपिंग अभी थोड़ी सी की है और अब हम लोग दूसरी शॉप पे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग।
गाइस, तो आज है दूसरा दिन और हम लोग उस दिन आने के बाद, शॉपिंग के बाद, हम लोग बिल्कुल भी वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि बेटू ने हमें शूट नहीं करने दिया ज़रा सा भी. तो वहाँ शॉपिंग से आने के बाद हम लोग ज़रा भी वीडियो शूट नहीं कर पाए, ना हम दिखा पाए कि हम लोग कब आए, कितने बजे, कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि बेटू तुरंत उठ गई थी और वो तंग करने लगी थी, फिर उसको फीड कराना था और फिर रात में बहुत सारे काम हो गए थे और वो रात भर जग गई थी उस दिन. तो हम लोग बिल्कुल भी मतलब वीडियो शूट नहीं कर पाए. तो आज दूसरा दिन है और हम लोग ने सोचा कि अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं. तुम ही बोलती रहो. अच्छा क्यों बैठा है यहाँ पे? आज अपना शॉपिंग हॉल दिखाते हैं आपको कि हमने बेटों के लिए कहाँ से और क्या शॉपिंग की है. ये देखा, आप ऐसे ही करते हो. तो हमने अपनी बेबी के लिए विंटर की शॉपिंग कर ली है और उस दिन हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि बेबी काफी परेशान कर रही थी और फिर हमें टाइम ही नहीं मिला. हमने सोचा रात में शूट करके बना लेंगे वीडियो और वीडियो अपलोड भी कर देंगे सेकेंड डे, पर हम शूट नहीं कर पाए तो अपलोड भी नहीं कर पाए. तो आज हमने सोचा है कि वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, बना के दिखा देते हैं हमने क्या क्या शॉपिंग की है बेबी के लिए. ये दो बैग हमने शॉपिंग की है. ये देखिए आप लोग को, जैसे जितनी भी सारी शॉपिंग की है और वो हम लोग आपको एक एक करके दिखाते हैं. बहुत मजा आने वाला है मुझे इस वीडियो में, मुझे बहुत पसंद है. चलिए तो सबसे पहले इस बैग से दिखाते हैं हम लोग ने क्या क्या शॉपिंग किया है. फर्स्ट हम दिखाते हैं एक प्यारी सी क्यूट सी ड्रेस जो है फ्रॉक. ये डेली यूज के लिए हमने लिया है. ये डेली वेयर के लिए ड्रेस है और ये फ्रॉक है, काफी प्यारी सी है. हम लोग को एक नजर में फ्रॉक पसंद आ गई थी. मैंने पसंद की थी. हाँ एक्चुअली इन्होंने पसंद की थी. बहुत सॉफ्ट सा है और रात में पहना के सुला सकते हैं, दिन भर भी पहना सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअली कुछ भी पहना सकते हैं. तो ये पहली ड्रेस है. ये दूसरी ड्रेस है. ये देखिए आप, ये काफी फ्लपी है, एकदम मोटा सा है एंड इसमें ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी और सिर्फ इसी को पहना के हम लोग उसको दिन भर रख सकते हैं और बहुत प्यारा लगता है. कलर भी इसके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा है. आप लोगों को जब हम ये कब दिखाएंगे, जब उसका फेस रिवील करेंगे इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर, तब हम आप लोगों को दिखाएंगे इसको जब पहनाएंगे तो कौन सा ड्रेस कितना बेहतरीन लग रहा है. जो न्यूबॉर्न बेबी किसी के पास है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसी ड्रेसेस अगर आपको कहीं दिख रही तो आप जरूर लें और बहुत प्यारी लगती है. ये तो मुझे ये काफी अच्छा लगा था, इनको बहुत पसंद आया था, मुझे भी ठीक लगा था, अच्छा लग रहा है. ये है, आप लोग भी बताइए, काफी खूबसूरत है. ये इसकी पैंट है अच्छी सी प्यारी सी और ये इसका टॉप है. ये एक्चुअली भी फ्रॉक बेस पे और काफी प्यारा और ये वुलन वाला है, वुलन फ्रॉक जिसे कहते हैं. ये विंटर के लिए है बेसिकली और बहुत प्यारा, सामने से बहुत अच्छा लग रहा है. और अभी हमने उसको ये पहनाया नहीं है, जब पहनाएंगे तो हम पिक्स उसकी लेंगे. थोड़ा डिफरेंट कलर था ना इसका, न्यू कलर वाइट. और फिर नेक्स्ट है स्वेट टी शर्ट एक और उसके साथ है ये पैंट. ये डेली वेयर के लिए लिया है हमने. हाँ ये भी डेली वेयर ड्रेस है और इस पे ये भी काफी अच्छा है. हाँ नेक्स्ट है ये ड्रेस, ये है रोम्पर और बहुत बहुत प्यारा. ये भी बहुत सॉफ्ट सा है, ये भी हमने डेली के लिए लिया है, डेली वेयर के लिए. और मुझे तो बहुत, मुझे रोम्पर्स बहुत प्यारे लगते हैं. मैं ज्यादा जितने भी रोम्पर्स आपने देखे हैं सब मेरी पसंद से हैं. मुझे ये बहुत क्यूट लगा था. इनकी चॉइस है व्हाइट सा और इसके नेक्स्ट ड्रेस थी वो है ये प्यारी सी रेड कलर की फ्रॉक. बहुत ही क्यूट ड्रेस है ये. बहुत ही प्यारी. हमने एक बार उसको ट्राई भी किया था इसको पहना के और बहुत प्यारी क्यूट लग रही थी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह. और अगर हमें मौका मिला तो हम इस टाइप की और भी ड्रेसेस इसके लिए लाएंगे क्योंकि बहुत प्यारी सी क्यूट सी. तो नेक्स्ट ड्रेस जो है वो है ये. ये भी वुलन वाला है, बहुत प्यारा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा था हमें ना, बहुत ही अच्छा क्रीम कलर है. जो नेक्स्ट है वो भी है रोम्पर, वो भी मेरी पसंद का है. और ये रहा, कितना क्यूट है, इसमें माय बेबी बहुत ही प्यारा लग. और उस पे ऐसे दो कान बने हुए हैं, यहाँ पे दो टेडी बियर्स बने हैं पिंक कलर के और स्टार वाले प्रिंट्स है इस पे सिल्वर कलर का.
और बहुत ही प्यारा रोमपर है ये भी, इसलिए कि तो फ्लॉपी है ना, लगेगा बिल्कुल टेडी बियर जैसा लगेगा। टिक 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 टिक। ओके, और ये नेक्स्ट बैग है वो ये, तो इसमें हम सबसे पहले दिखाते हैं, हमने लिया छोटे छोटे से सॉक्स, प्यारे से क्यूट से, ये तीन का पेयर था और मुझे बहुत पसंद आया, और तीनों अलग अलग कलर के हैं, जिसमें मैंने एक बेबी को भी पहना दिया और इसमें आपको दो दिख रहे होंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट है वो है, तो नेक्स्ट ड्रेस जो है वो है ये भी है एक रोमपर रोमपर है ये भी रोमपर, और काफी क्यूट सा है, विंटर के लिए सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ही, सब वुलन पे है, और नहीं ये वुलन नहीं है वो है, काफी मोटे प्यारी सी क्यूट सी, ये डार्क ब्लू कलर है, नेवी ब्लू एक्चुअली, और इसपे जो हार्ट प्रिंट बने हुए हैं बहुत प्यारा है, क्यूट सा। जैसे उसकी छोटी हो चुकी थी उसको, तो हमने एक ही ले लिया है क्योंकि ये 3 to 6 months दिया हमने, क्योंकि मैं 4 और 2 साल पहना हूँ उसको, पैसे लगे तो आपको बेबी फेस रिवील के बाद दिखने वाले हैं मेरे बेबी पे, हम लोग इंशाल्लाह हम लोग जल्दी बेबी फेस रिवील करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे 2 after 2.5 months बाद हमारी बेबी कैसी दिखती है और प्यारी है, कितनी प्यारी है, प्यारी तो बहुत है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और लास्ट जो है नॉट द लीस्ट, बहुत दम लगा के बोला है, जो ड्रेस है वो ये है ये भी रोमपर सारा रोमपर लेके आई है कितना क्यूट सा ना, इसपे कैट का, इसके जो हुडी है जो कैप जो उसपे कैट बनी हुई है प्यारी सी, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी इसमें कि ऐसे स्लीव्स की में जो ये दी हुई है ऐसे फोल्ड कर देंगे ना, फोल्ड करके उसका हैंड कवर हो जाएगा, उसमें ठंड बिल्कुल नहीं जाएगी, तो हम लोग प्लान किए इसको लेके आगरा जाएंगे इंशाल्लाह, नैनीताल जाएंगे, नैनीताल बिल्कुल नहीं, मैं नैनीताल घूम चुकी हूँ, और ये ऐसा है कुछ ऐसा दिखता है प्यारा सा, बिल्कुल बिल्कुल कैट ऐसा पहना देंगे मेरी बेबी, कितनी कैट जैसी लगेगी, क्यूट एंड कैट, कैट की वैसे शादी हो रही फिर आएंगे तो इनका तो कैटरीना की शादी हो रही है वही इनके खल रहा है। अरे हमारा लास्ट ड्रेस और एक जब हम लोग ये पहनाएंगे तो अभी थोड़ी सी चीजें रह गई थी जैसे कि कैप और मुझे और सॉक्स हमने ढूंढा मिला नहीं, मिला तो नहीं हमें वहाँ पे और थोड़ा लेट भी हो रहा था हमें, तो हमने सोचा किसी नेक्स्ट डे कभी या फिर कभी जाएंगे, तो वैसे भी हम शायद जाएं क्योंकि हम लोग तब जाएंगे शायद गिफ्ट खरीदने जाएंगे आयरा के लिए, तब हम उस दिन थोड़ा देख लेंगे, अगर बेबी हमारी बेबी के लिए कुछ कैप्स वगैरह मिल जाएगा तो हम ले लेंगे, क्योंकि 9 दिसंबर को आयरा का बर्थडे है, तो हम लोग देखें कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या हो रहा है, उसके बाद आयरा अपनी नानी के घर जाने वाली है, शायद पहले चली जाए या यहाँ पे बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करें, तो हम लोग देखेंगे तो बर्थडे का ब्लॉग इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे, दिखाएंगे बर्थडे कैसा हो रहा है आयरा का, ये शायद 4th बर्थडे है, 4 साल की हो जाएगी आयरा का, 4th बर्थडे है माशाल्लाह, 4 साल की हो जाएगी हमारी बेटी, और बहुत क्यूट है माशाल्लाह, उसके इतनी आवाज, उसकी बातें तो आप लोग मेरे वीडियोस में देखी होंगी झूठे यहीं पे तो है बहुत गजब बेइज्जती की थी उसने मेरी उस दिन, और मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि वो ऐसा कह सकती कुछ है, कुछ बोलेगी यार, मैं तो नॉर्मली अपना बना रहा था, ब्लॉग शूट कर रहा था, जैसे ही बोला तो कहां से उसके माइंड में ऐसे आया झूठे यहीं पे तो है, तो खैर हमारी किस वीडियो में इसने ऐसा बोला था, हमारी वेलकम होम, हाँ वेलकम होम बेबी, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसमें आयरा की क्यूटनेस देख लीजिएगा, उसने कितने प्यार से कितना प्यारा बोला है, झूठे प्यार से मेरी बेइज्जती की है, झूठे यही पे तो है तो और भी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो कोशिश करिए हमारी सारी वीडियोस को देखने की, प्लीज प्लीज बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और आप लोगों से एक अच्छी चीज बताना चाह रहा हूँ, हमारी वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और लोग का प्यार बहुत मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, लोग देखना पसंद कर रहे हैं हमारे ब्लॉग्स को वीडियोस को, और हमने इधर भी 1-2 महीने से काफी कम ब्लॉग शूट किया है क्योंकि रीजन आपको बता सकते हैं, बताया हमने रीजन, हमने रीजन बार बार बताया आप लोगों को, पता है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, सीधा ये पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था कि तो मेरा बताने का मकसद ये था सिर्फ कि आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और ढेर सारा प्यार दे और कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग को कैसा लगता है, कैसे ब्लॉग्स हम लोग शूट करें। इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम लोग और अच्छी अच्छी चीज़ें शूट करेंगे, बाहर आउटडोर भी शूट करना चाह रहे हैं हम लोग, और तो इंशाल्लाह हम लोग जहाँ भी जाएंगे दिखाएंगे आप लोग को। और ब्लॉग में हम अपनी बेटी की डेली रूटीन चीजें दिखाएंगे कि वो क्या कर रही, कैसे कर रहे, कि सिर्फ हम और ये देख केयर कर रहे हैं उसकी, और बहुत टिपिकल हो रहा है, हमें मुश्किल हो रहा है उसको संभालना, क्योंकि अब काम भी मेरा स्टार्ट हो गया तो मुझे अर्ली मॉर्निंग जाना होता है और रात भर वो जगती है तो सुबह नींद नहीं खुल पाती है, लेकिन फिर बस कर रहे हैं उसी में केयर, ये काफी मेहनत करती। तो वीडियो यही वाइंड अप करते हैं हम लोग, यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है जो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ जाके उसको चेक कर लीजिएगा, और प्लीज फॉलो करिएगा हमें और कीप सपोर्टिंग अस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।